बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन किचन विद हानिया में आज हम बनाएंगे आइस कॉफ़ी, बहुत ही टेस्टी और एकदम आसान तरीके से बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमें इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लीज़ नोट कर लें। शुगर 4 टीस्पून है, छोटे चम्मच 4 चीनी के और 2 टीस्पून हमें इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए और दूध हाफ ग्लास है यानी तकरीबन 100 मिलीलीटर है। और एक मग हम लेंगे, उसके अंदर हम कॉफ़ी डालेंगे और मैंने पानी तकरीबन 250 मिलीलीटर यानी एक मग मैंने सही से गर्म कर लिया है, उबलता हुआ होना चाहिए और उसे हम कॉफ़ी में ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसके अंदर हम 4 टीस्पून जो शुगर थी वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। अब हम ग्राइंडर में आइस क्यूब्स लेंगे 4 से 5 और साथ में हम कॉफ़ी वाला मिक्सचर ऐड करेंगे यानी जो हमने ठंडा होने के लिए रख दी थी अब उसके अंदर ऐड करेंगे, गरम ना हो, और दूध भी ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। जी रेडी हो चुकी है। आप जब इसे ग्लास में डालें तो थोड़ा हाइट पे रख के डालें ताकि ऊपर अच्छी सी खूबसूरत सी झाग आ जाए। इसे स्ट्रॉ लगा के आप सर्व करें, चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी छिड़क लें। जी फाइनल लुक ज़बरदस्त, एकदम जल्दी तैयार होने वाली कॉफ़ी, 2 से 3 मिनट में आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इन किचन विद हानिया को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक आ जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।